और मैं अभी आई हूँ आप लोगों के सामने। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों के सामने वीडियो में लेकर आ गई हूँ। मैंने मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड की थी अपना हैंकी टक्का अपने फ्रेंड्स के साथ, तो और अभी फिर से आप लोग सोच रहे हो कि फिर से एक और वीडियो आ गई। तो मेरी ज़्यादातर से एक ही वीडियो आ पाती है, बहुत कम हो पाता है। और आज मैं अभी जो वीडियो लेकर आई हूँ इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने अभी निशिकास फैमिली है उनकी वीडियो देखी, तो उसमें जो उनकी नेक्स्ट इससे पहले जो वीडियो थी उसमें कमेंट आया था लास्ट वीडियो में कि बेटी बेटे में फ़र्क क्या है, मतलब आपने अपनी बेटी के में इतना सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो आप लोगों ने भी देखी होगी वो वीडियो, जो लोग उनको फॉलो करते हैं मतलब जो उनकी वीडियो को पसंद करते हैं। और सॉरी मैंने फ़ैन बंद कर दिया है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आती है इसलिए, और गर्मी लग रही है बट कोई नहीं। और मैं मतलब मैं भी उनके जो वीडियो देखी थोड़ा सा सैड हुई क्योंकि लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं इस तरीके से, कैसे ऐसे कमेंट वही लोग करते हैं जैसे उनकी सोच होती है। तो उन्होंने ये कमेंट किया था कि आपने अपनी जो बेटी थी उसके में ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया था। तो मैं तो उनकी अभी तक ज़्यादातर से मैंने सारी वीडियो देखी होगी, मैंने तो ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा कि उन्होंने अपनी बेटी का भी कोई ऐसा वीडियो शेयर किया हो जिसमें उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया। आपने क्या, आपको कैसे पता कि उन्होंने सेलिब्रेशन किया है या नहीं किया, तो आपने कैसे कह दिया और कमेंट कर दिया। और मुझे आज तक उनकी किसी भी वीडियो में नहीं लगा कि वो बेटे बेटी में फ़र्क करती हैं। और आज के समय में मुझे नहीं लगता, बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जो बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं। तो ऐसे वही लोग करते हैं जिनकी जैसी सोच होती है वही लोग वो कमेंट भी करते हैं। और भाई मेरी भी दो बेटियां हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे बिल्कुल भी कहीं भी एक पल भी कमी नहीं महसूस होती है कि बेटी भी होना चाहिए। बस थोड़ा सा ये लगता था कि हर इंसान को चाहिए होता है कि हमें थोड़ा सा ये भी चाहिए, जैसे आज हमारे घर में ये है तो वो है बस, बाकी बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, कोई भी नहीं करता है। बेटियाँ बेटों से बढ़कर होती हैं ये आप सबको पता है, और सबको पता है क्या ऐसा नहीं है, बेटे कम नहीं होते हैं, बेटे भी उतने ही हैं, बेटियां भी उतनी ही हैं। तो प्लीज़ ऐसा फ़र्क करना छोड़ दीजिए। अगर जो लोग ऐसा करते हैं, बेटी बेटा सब बराबर हैं। और आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आप बेटे के ऊपर खर्च करोगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगता है बेटी के ऊपर, दोनों के बराबर खर्चे होते हैं, दोनों को बराबर आपको पढ़ाना भी है, सब कुछ है, और कोई भी फ़र्क नहीं रह गया। और प्लीज़ उनको ऐसा कोई कमेंट भी मत करिए क्योंकि वो जो अभी इस टाइम बनी है, माँ बनी है, तो वो उनके पल को आप इस तरह के कमेंट कर उनकी खुशियों को छीनने की कोशिश मत करिए क्योंकि बहुत सैड महसूस होता है। और सॉरी मेरे को बहुत पसीना आ रहा है, एक मिनट, कि आप ये महसूस मत करवा दीजिए कि उन्होंने ऐसा कुछ भी किया। तो उन्होंने बिल्कुल भी, मुझे कभी भी उनकी ऐसी कोई भी वीडियो पर नहीं लगा कि वो बेटे बेटी में फ़र्क करती हैं। वो अपनी बेटी की मिशिका को कितना प्यार करती हैं, हर वीडियो में उनकी मुझे तो हमेशा दिखती है मिशिका, वो बहुत प्यारी है, इतना प्यार करती हैं अपनी बेटी को वो। तो आपको कैसे महसूस हो गया कि वो अपनी बेटी को प्यार नहीं करती हैं, और अब बेटे आ गया तो उनका प्यार ज़्यादा हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमारी ये पाँचों उंगलियाँ हैं ना, हमें अपनी पाँचों उंगलियों से प्यार होता है, उसी तरीके से हम माँ को भी अपनी, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उनसे भी प्यार होता है। पांच उंगलियां हमारी, हमें पांच उंगलियां अपनी प्यारी है ना, तो हमारा चाहे बेटा हो या बेटी, हमें दोनों से प्यार है उतना ही। तो ये सब मैसेज करना आप छोड़ दीजिए प्लीज़, जो भी लोग हो मैसेज इस तरह के कर रहे हो, प्लीज़ बेटी बेटे में फ़र्क महसूस मत कराइए अब। और निशिका जी आपको भी, मुझे तो पता है आप तक मेरी वीडियो, मैं अभी कोई बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ और मेरे कुछ भी नहीं है, बट आप लोगों की जो सोच है वहाँ तक जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर उन आसपास है, तो सभी लोग यही बताइए बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। बस मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती थी ये वीडियो, और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर आपके आसपास हो तो उन लोगों को शेयर करिए कि प्लीज़ ऐसा करना छोड़ दीजिए। बेटियाँ नसीब वालों को मिलती हैं, हर किसी को नहीं मिलती हैं बेटियाँ, बेटियाँ नसीब वालों को मिलती हैं, याद रखिए। और ये सोचिए अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो आप अपने बेटों के लिए बहुएँ कहाँ से लाओगे, तो सोचना बंद कर दीजिए इस तरीके से। और मुझे आज तक निशिका जी की फैमिली में, जो उनके चैनल हैं उनके वीडियो में, आज तक कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। तो बस यही कहना चाहती थी। और मुझे भी बहुत बुरा लगा आज क्योंकि उनको देख के, उनको शर्ट देख कर, उनकी इतनी सारी खुशियों में आपके ये एक कमेंट ने उनको कितना हर्ट किया है, आप ये सोचिए। तो कोई भी कमेंट, और बच्चे के लिए डिसलाइक देना, यार बच्चा क्या आपको पसंद नहीं है, बच्चे तो दुश्मन को भी प्यारे होते हैं, कितने लोगों को प्यार करते हैं बच्चे को, तो मतलब किसी का कितना भी गुस्सा हो छोटे से बच्चे को देख के तो सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है।
फिर आप लोगों ने कैसे उनको इतने सारे डिसलाइक दे रहे हैं, उनका जो कहना था वीडियो में आज की कि उनको डिसलाइक भी बहुत दे रहे हो, तो किसको डिसलाइक दे रहे हो आप, किसको डिसलाइक दे रहे हो, बच्चे को डिसलाइक दे के गए हो आप। तो बस मुझे नहीं पता, शायद जो लोग डिसलाइक दे रहे हैं उनको बच्चे पसंद नहीं होंगे, तो चलिए हो सकता है मुझे भी, जिनको बच्चे पसंद नहीं होंगे वो मुझे भी डिसलाइक दे के जाएंगे, तो कोई बात नहीं। बट बेटी बेटा सब बराबर है, और ये फ़र्क करना छोड़ दीजिए जो लोग करते भी हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ, और आज की वीडियो मेरी यही तक है फ्रेंड्स। और प्लीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।